हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर, और आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यह देखिए, मैंने करीब करीब ये आधा केजी कटहल है, छोटे छोटे पीसों में कटे हुए हैं। और ये जिस बर्तन में मैं डाली हूँ उसमें पहले से ही मैंने थोड़ा सा सरसों तेल लगा दिया था। इस कटहल में एक रस होता है जो चिपचिपा होता है, बर्तन में लग जाते तो छूटते नहीं हैं। और इधर मैं कुछ खड़ा मसाला रखी हूँ, इसमें जीरा है, इधर गरम मसाला है, ये शाही जीरा है 3-4 पीस, एक इलायची है, 2 लौंग है, काली मिर्च है 2 पीस, दालचीनी है, 1 सूखी मिर्च और तेजपत्ता। और ये नींबू का छिलका जो दिख रहा है, इसे मैं कुकर में डालूँगी बॉईल करते समय कटहल को, ताकि हमारा कुकर जो है वो काला ना हो। और कुकर में भी मैंने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इसमें भी मस्टर्ड ऑयल पहले से ही लगा दिया है बॉईल करने का पहले। और इधर मैं रखी हूँ प्याज। तो कटहल का स्वाद जो है वो मटन की तरह, नॉनवेज की तरह होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा प्याज डालती हूँ। और 2 आलू लिया है और 1 लहसुन का, इसमें पूरा लहसुन नहीं लगेगा, मैं इसे 10 कली डालूंगी। और ये प्याज से मैं 2 प्याज को पीस लूंगी और सारे प्याजों को ऐसे ही कटहल में डालूंगी। करीब करीब 200 ग्राम ये प्याज होंगे। कुकर में मैंने रख दिया है पानी के साथ कटहल को, और इसी में 2 आलू भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालूंगी, और इसे मैं बंद कर दूंगी। इसमें मैंने नमक भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इसी तरह से कटहल बनाती थी, उसी तरह से मैं आज बनाने जा रही हूँ। बॉईल करते समय नमक और हल्दी पाउडर डाल दी थी। और ये नींबू का छिलका जो मैंने रखा था, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ, इससे हमारा कुकर का कलर जो है वो काला नहीं होगा। और अब इसे मैं 2 से 3 सीटी आने तक इसे बॉईल करूँगी। यह देखिए, एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली हूँ मैं, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल सरसों तेल गरम किया है। कटहल की सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। तो हमारा तेल गरम हो गया है, अब मैंने जो कटहल बॉईल करके रखा था इसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी इस तरह से। और तेल में जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, कि जो तेल बचेगा उसी से मैं ग्रेवी बनाऊँगी। तो 2 बार करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। जितना आपका कढ़ाई में आए आप उतना डाल सकते हैं। और इसे मैं मीडियम फ्लेम में ही पकाऊंगी, क्योंकि कटहल जो है वो पहले से हमारा बॉयल है, तो ना बहुत हाई करना है फ्लेम को और ना ही एकदम मध्यम करना है। ये देखिए, इसको पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है। जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। यह देखिए, इस तरह से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक सारे कटहल को फ्राई कर ली हूँ। अब इसे मैं निकाल दूँगी, और इसी तेल में मैं आलू भी फ्राई करूँगी, बाद में मसाले भी इसी में भूनूँगी। अगर आप कम तेल खाते हैं तो कम तेल में भी इसे भून सकते हैं, फ्राई करने के जगह आप थोड़ी सी तेल डालकर इसे भून सकते हैं। और आप चाहे तो आलू डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आलू नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं तो। मेरे यहाँ बच्चे आलू पसंद करते हैं, तो इसे मैं बॉईल करके जो आलू रखी थी वही वाली है, और इसे मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी, क्योंकि ये पहले से बॉईल है। ये देखिए, इस तरह से मैंने फ्राई करके रख लिया है आलू और कटहल को। अब इसी तेल में मैं डालूँगी, सबसे पहले जीरा डालूंगी, उसके बाद लौंग के 2 टुकड़े, सॉरी दालचीनी के 2 टुकड़े, लौंग के 2 टुकड़े,
और शाही जीरा 2-4 दाने, एक लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और इन सबको मैं भूनूंगी। एक हरी इलायची, इन सबको मैं भूनूंगी। हरी इलायची जब भी डालिएगा फ्रेंड्स उसको क्रश करके डालिएगा, हरी वाली या बड़ी इलायची उसे भी क्रश करके ही डालिएगा, नहीं तो वो फटता है और आपको तेल के छींटे भी पड़ सकते हैं। और इधर मैंने प्याज काट के रख लिया है, अब इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो अब इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल दूंगी ताकि प्याज जो है हमारा जल्दी से और भी अच्छी तरह से पक जाए, और इसे मैं ढक दूंगी। इधर मैं अब मसाला तैयार कर रही हूँ, तो यह देखिए मैंने 1 चम्मच दही फेंट के रख लिया है, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, 1 चम्मच के बराबर, और अभी इसी में मैं सूखे मसालों को डालूंगी। मैंने जो घर पे मसाला तैयार करके रखा है इसमें धनिया पाउडर है, जीरा है और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं डलवा देती हूँ पिसवाते समय, गोल मिर्च के भी कुछ दाने हैं, तो मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ और 1 चम्मच मैं लाल मिर्च, 1 चम्मच से थोड़ा कम है, और हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी मैं बॉईल करते समय भी डाली थी, हालांकि उस पानी को मैंने फेंक दिया है, वो पानी मैं यूज नहीं करती हूँ, और थोड़ा सा और गोल मिर्च मैं डाल देती हूँ। और इधर मेरा है पिसा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट जिसे मैंने पीस कर रखा है। अब इन मसालों को मैं मिला देती हूँ और अब हमारा प्याज एकदम भून के तैयार हो गया जैसा हमें चाहिए, एकदम सुनहला कलर का। और अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई प्याज का और अदरक और लहसुन का पेस्ट। और मेरी माँ कभी भी कटहल की सब्जी में टमाटर नहीं डालती थी, उनका कहना था कि टमाटर डालने से जो हम गरम मसाला डालते हैं उसका फिर फ्लेवर नहीं आता है, टमाटर दबा देता है उस फ्लेवर को। तो मैं आज माँ के जैसे बनाती थी उसी तरह से मैं कटहल को बनाने जा रही हूँ। तो इसे भी मैं 5 मिनट तक भूनूंगी इस मसाले को। और अब मैं डालूंगी इसमें, ये देखिए भून के तैयार हो गया है मसाला, इसमें डालूंगी जिसे मैंने दही के साथ मिलाकर सूखे मसालों को रखा था, तो इसे अब मैं इसमें डाल दूंगी। टमाटर के जगह मेरी माँ दही प्रयोग करती थी, कहती थी कि इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, और इसी तरह से सूखे मसालों को दही में घोल लेती थी। इसे भी मैं 3 से 4 मिनट भूनूंगी, तेज आंच पे ही भूनना है, बहुत तेज नहीं, मीडियम में, ताकि ये दही का कच्चापन खत्म हो जाए और हमारे सूखे मसाले भी अच्छे तरह से भून जाए। आप इस तरह से मसालों को भूनकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, 3-4 दिन रह जाएगा आराम से, और जब सब्जी बनानी हो तो इसे निकाल के उस सब्जी में मिक्स करके बनाइए, तो आपका समय बचेगा और कामकाजी महिलाओं के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, उनका समय बच जाएगा। हमारा मसाला भुनकर तैयार है, ये देखिए ऊपर में तेल के बुलबुले हल्के हल्के आने शुरू हो गए। और अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ कटहल डाल दूंगी और इसके साथ भी इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। क्योंकि कटहल हमारा पहले से फ्राई किया हुआ है, और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना,
और पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए फ्रेंड, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मेरा उत्साह और भी बढ़े। और इसी में अब मैं डाल दूँगी ये फ्राई किया हुआ आलू भी, और इसे हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो आलू जो है हमारा वो टूटने लगेगा। बॉयल आलू है और इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, 2 मिनट तक भुनेंगे, क्योंकि सारा मसाला भी फ्राई है, आलू भी फ्राई है, कटहल भी फ्राई है। तो आप इस तरह से बना कर देखिए एक बार, कटहल को बहुत टेस्टी लगेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार आप पानी दें, ये आपकी इच्छा अनुसार है। और इसमें अब मैं नमक भी ऐड कर दूंगी और इसे ढक कर पकाऊंगी, नमक भी स्वाद अनुसार, क्योंकि पहले भी इसमें मैं नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नमक नहीं दूंगी। फ्रेंड्स आपके यहाँ जितना पसंद करते हैं। और ये देखिए जब ये पानी डालेंगे ना, उसके बाद से जब गर्म होके उबाल आएगा तो इसका कलर और भी बढ़िया सुंदर आएगा। तो प्लीज़ एक बार इस तरह से भी कटहल बना के देखिए, होली आ रहा है, कटहल तो सभी के घरों में बनेंगे। और मैं इतना नमक भी डाल दी हूँ और अब इसे मैं ढक कर पकाऊँगी। और इसे गर्मा गर्म आप चपाती, पराठे, नान, चावल के साथ खा सकते हैं। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, कटहल में ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे आपके स्वाद के ऊपर निर्भर है। और इसे मैं ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी। यह देखिए हमारा कटहल जो है वो पक चुका है, जितना ग्रेवी हमें चाहिए उतना ही है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच, और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें धनिया पत्ती, और इसे भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक पका दूंगी और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। यह देखिए हमारा कटहल का सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग भी इसे ज़रूर इस प्रकार से बनाइए, मेरी मम्मी जैसे बनाती थी मैं बिल्कुल वैसे ही बनाई हूँ, और स्वाद भी एकदम बेमिसाल है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और बेल वाली घंटी भी दबा दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक आपको मिल जाए। ओके बाय फ्रेंड्स।